वेलकम करने के लिए बकरियां आ गई हैं। वेलकम टू विलेज। हाँ हॉट स्प्रिंग से हम आ गए हैं। एक रास्ते में छोटा सा कस्बा है। इस पूरे कस्बे में एक ही जो है ना मुसलमान हमारे दोस्त रह रहे हैं। और बड़ी बात यह कि इनका ताल्लुक वैसे लियारी से है, लेकिन बड़े अरसे से अमेरिका में रहे हैं। अभी वहाँ आए हैं, इनके बच्चे वेलकम करने आ चुके हैं। और पहला वेलकम जो है वो कुत्ते ने भोंक भोंक के किया है। शेर और बकरी तो सुना था, लेकिन कुत्ते और बकर साथ रह रहे हैं। बदला ना ये कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे। बकरे भी माशाल्लाह पहाड़ी बकरे हैं। तो बकरे तो पहाड़ी बकरे हैं। इसको बहुत खारिश हो रही है। सईद भाई चींकें इसको प्यार रही हैं। चींकें बकरी को प्यार रही हैं। तो ये गांव है, इस गांव में आए हैं हम। और यहाँ दोस्त हैं सईद के, वो रह रहे हैं। साईं मेहमान आ गए, मेज़बान नज़र नहीं आ रहा। सर आई एम गुड, हाउ आर यू? की है साईं, मज़ा आ रहा है? वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? तबीयत सही है? हाँ उर्दू आती है? तो इसके लिए आती नहीं आती? उसको भी नहीं आती होगी। इसको बलोची थोड़ा थोड़ा समझता ही है। किसको? छोटे को। अच्छा छे हाल हैं? हाँ थी हाल सही हैं। थी नाम छे हैं? थी नाम छे हैं? I was waiting for you, huh? I got a car for you. Why, you wanna see? Huh? You wanna see? Come on, I show you. Come on. छोटा स्माइल ये आदि है। इन दोनों स्माइल से बड़ा इब्राहिम वो भी अंदर है। आदि से बड़ा ये सब पूरा आपका एरिया है? जी वहाँ से लेके वो पीछे तक है। तो खरीदा है? जी अच्छा खरीदा ही है। You wanna open it? Wait, you guys, you can go inside and do it later. Okay. You need the battery for this. I got a new gift. What you said to uncle? Yeah, it's for. I love you, uncle. ये देखो लकड़ी का पोल बनाया हुआ है और ये गांव को आपको ये लाइट दे रहे हैं। तो लाइट तो जाती होगी ना? नहीं नहीं लाइट नहीं जाती। बिल्कुल नहीं जाती। आप इधर की बात कर रहे हैं। अब उस दिन मैं गया था कितना अंदर वहाँ जाना, ऐसे ऐसे जगहों पे भी लाया, सब कुछ है। लाइट के बगैर यहाँ पे कुछ नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। कम टेक दिस सो आई कैन गेट अ चार्जर फ्रॉम द बैक। ओके आई एम बैठे।
अदनान एक था अपने बाप को। अच्छा पांच पैदा कर दिए। चाची मैंने एक था अपने अबू को। बड़ा ये है बड़ा ये? नहीं नहीं बड़ा तो काम पे। खूबसूरत कह रहे यहाँ का गांव का। ये इब्राहिम, ये बेटी जुलेरा, एक ही है। बेटा क्या हाल है? ठीक है। उर्दू हाँ महीना थी नाम से थी नाम से अल्हम्दुलिल्लाह सही है। हाँ Come inside. Come inside. My name is Imtiaz. Imtiaz. From the what's your name? Ibrahim. From Ibrahim. The car, take out that iPhone. हॉट स्प्रिंग से इतना दूर है, वहाँ है गांव में एक ही मेरे ख्यालों में मुसलमान रह रहा है भाई, और खाना पीना सारा देसी है, बड़ा मुश्किल से मिलता है यहाँ हलाल खाना यहाँ चीज़ें। अब हम समय डिनर ही कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आई वांट माय ओन यूट्यूब वीडियो। You wanna be a YouTuber? Yes. और वो ये भी खाना जो है इतना इजी नहीं मिलता होगा, जाना पड़ता होगा जबिया के लिए ना? आना तो भी एक स्टोर नहीं, मतलब मुख्तलिफ स्टोरों से चीजें जो है ना लेके बड़ा मुश्किल है। तो वो खुद भी जब यहाँ पर था तो फिर बीच में ऐसा हो गया था कि हमारे पास जो है ना एम्प्लॉय नहीं था, तो हम जा नहीं सक रहे थे, तो रोटियाँ नहीं थी, तो हमारे को एक डेढ़ हफ्ते तक चावल पे चावल होते हैं यार, वही रोटी नहीं मिल रही। मैंने कहा देखा, मैंने कहा क्या कहा था मैंने कहा इधर कभी कई दफ़ा ऐसा हो जाता है अपना काम में स्टक हो जाए, आपकी गाड़ी का प्रॉब्लम हो जाए, कुछ हो जाए, तो यहाँ आपको रोटी तक जाना नहीं मिलती। तो आटा नहीं मंगवाते ईस्टर्न से? तो आटे भी मिल रहे हैं जैसे स्टोरों से? नहीं नहीं वो तो आटा तो मिलता है, लेकिन ये कि आप घर पे जो है ना हम लोग वो रेडीमेड जो है ना नॉर्मली रोटी, लेकिन उस वक्त कोई वाइफ और बच्चे भी नहीं थे या फैमिली नहीं थी। सही, ये बड़ा मुश्किल होता है दूर इलाके में रहने से। ईस्टर्न में तो हर चीज ईजी है। हां तो आपको मिल जाता है। अच्छा ये जहाँ जहाँ ये आपने ग्रास कटिंग की है ये एरिया है या आगे? नहीं नहीं उसका थोड़ा और आगे वो जो लॉग पड़े हैं ना, और वो दरख्त जहाँ से शुरू हो रहा है। अच्छा वो देखो ना वो पोल हमारा वो लगा हुआ है उधर जो जहाँ तक फेंस है। बलोच वन भाई ये नेब्रास्का में जब मैं था वहाँ मेरी गाड़ी की लपेट थी, अभी भी वे बलो अभी बलोच के नाम से जो है ना मैंने रजिस्टर करवाई है। करनी पड़ती है वो वाइफ कर लेती है। अच्छा अच्छा पीछे भी सड़क है आपके? हाँ वही है। वो कहाँ से घूम के आती है? ये यूं ऐसे घूम के आती है। अच्छा यही सड़क जो हम यहाँ से आ गए ये शॉर्टकट था, ये आगे जाती है फिर? दूर से आती है क्या फिर ये? नहीं ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही आगे है। अच्छा ओके वो जीपीएस वगैरह से अगर वैसे मेरे ख्याल वो करे ना तो आपको लेके उधर से आता है। नहीं डायरेक्ट इधर लेके आए। अच्छा यहाँ रहने की वजह क्या है इतना गाँव में? क्योंकि अपार्टमेंट वगैरह जो है ना बच्चों की वजह से, मेरे माशाल्लाह जो है ना 6 बच्चे हैं, 4 ये छोटे हैं, तो ये थोड़ा आपको पता है इनका अल्लाह गुल्ला रहता है, तो अपार्टमेंट यहाँ टेक्सास में भी यहाँ अरकनसा में इनके जो हाउसिंग रूल्स हैं उनके मुताबिक जो है ना अगर आप फर्ज करें आपके इनके 2 भी बच्चे हो ना आपके, तो आपको 3 बेडरूम जो है ना अच्छा मैक्सिमम जो है कि आपको अपार्टमेंट आपको चाहिए होता है। कंप्लीटली क्वाइट व्हेन ग्रोन पीपल आर टॉकिंग यू डोंट टॉक एट ऑल। दिस इज अ ब्रोकन बॉय। अच्छा तो अपार्टमेंट जो है ना हमारे लिए हमें ना मिल सकता था ना वो सूटेबल होता हमारे लिए, बच्चों की शोर वगैरह करते हो, 3 बेडरूम से बड़ा अपार्टमेंट नहीं होता है,
तो घर ही लेना था, तो घर जो है ना यहाँ हॉट स्प्रिंग में खासतौर पर, क्योंकि आप जो भी बंदा मूव करता है, और मैंने ही फैमिली जब मूव करनी थी नेब्रास्का से, जब उनका स्कूल ईयर फिनिश हो गया था, उस टाइम हर कोई मूव हो रहा होता है, तो फिर आपको घर मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर कोई जो है ना एक मार्केट में होता है तो घर लेने के लिए। अब वहाँ हॉट स्प्रिंग में एक ही अच्छा जो है ना स्कूल डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर जब भी मैं जो है ना कि कोई घर आता तो मैं विद इन मिनट्स उनके पास 10-10, 20-20 एप्लीकेशंस होती थी, तो उसकी वजह से ये है कि, और वहाँ रेंट भी काफ़ी था। फिर ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यानी ये फॉर सेल थी, लेकिन इनसे हमने किराए की बात की, रेंट टू ओन की, वो पहले तो उन्होंने ये कि वो अग्री नहीं कर रहे थे, फिर बाद में उन्होंने दे अग्रीड ऑन रेंट टू ओन टर्म पे, तो फिर मैंने इस वजह से ले लिया था, क्योंकि यहाँ रेंट भी कम पड़ना था और ये 5 साल में प्रॉपर्टी भी अपनी हो जानी थी, मतलब ये कि 5 ईयर तकरीबन ये कि जो रेंट के हिसाब से दिया, फिर 5 ईयर के बाद लमसम दे के पेपर्स ले लिया। नहीं, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है यहाँ, और शहर के नस्बत आपको स्पेस बहुत बड़ी। और फिर यहाँ ये है कि यहाँ बच्चे बाहर निकलें, शोर वगैरह जो भी अल्लाह उल्ला करते हैं, कोई जाना एटलीस्ट कोई डिस्टर्ब। अच्छा, यहाँ मुस्लिम बहुत कम है क्या यहाँ पे? इस एरिया की बात करें, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अच्छा, एक ही? कम कम। यू नीड टू गो बेटा, सिडनी एडिशन है ये, थोड़ा सा बाहर से। You can play with him over here. ये भी लिया है आपने जी? ये खड़ी रहती है या इसको मूव करते हैं आप? नहीं नहीं, मूव नहीं करते, हमारे पास गाड़ी नहीं है मूव करने। जस्ट अ सेकंड मेरे बेटा। यार भी चले। दिस इज द ट्रेलर। शूज ऑफ। दिस इज अ ट्रेलर। शूज ऑफ। नहीं नहीं, मसला नहीं है, गरम है क्योंकि बंद पड़ा है। ये पूरा डोर बंद हो जाता है फिर ये, और ये इसमें तकरीबन कुछ मतलब ये हमारी साइज की फैमिली अगर कहीं ट्रैवल करना चाहे तो आराम से इसमें सो सकती है। जैन ये कि इसमें प्लीज कॉल अंकल सईद टू कम हियर। अच्छा, ये भी बेड बन जाता है तो छोटा सा, इधर 4 बच्चे सो सकते हैं। तो ये भी इस पे कोई यूज करते रहते हैं? हाँ बिल्कुल, मतलब बिजली से कनेक्टेड है अभी? जी बिल्कुल कनेक्टेड है, लेकिन ये कि इसकी प्रॉपर जो है ना मेंटेनेंस, हमने वायरिंग नहीं की है, इसके लिए 35 amp का ब्रेकर लगाना पड़ता। अच्छा, तो फिर आपका एसी वगैरह सब चल सके जो है ना। अभी क्या है कि एसी अगर हम चलाए होते तो वो जो है ना ब्रेकर ट्रिप कर जाता है, बाकी मतलब ये एसी भी है, हीट भी है, हीट तो खैर प्रोपेन से चलता है, फ्रिज भी प्रोपेन से चलता है। तो शो मी what is new in this area? That's my neighbor. Your neighbor? Yeah. असल में मैंने इसलिए ले लिया था कि पहले मैं काफी टाइम सोच रहा था कि अपने लिए कोई एक अलग कमरा जो है ना बाहर बनाऊं, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है, छोटे बच्चे थोड़ा सा जो है ना कि तंग करते हैं, मतलब ये कि बंदा रेस्ट सही तरीके से नहीं कर सकता। What is this? I don't know. Hey, I'm pretty. Now let's go in the garden and get. Nala. That's our dog, Nala. Let's rename it Ooga Booga Nala. Ooga Booga Nala. What is the name of the dog? Nala. Nala? Yeah. It's a wild dog or a trained dog? A trained dog. Okay. You've seen her? Yeah, I have seen the puppies. Last time I let the dogs out. It's one dog. Big dog? Yeah. Papa. That's Nala. लाइट ऐसे, बिल्कुल लाइट ऐसे जो है ना ग्रीन टाइप के होते हैं। हमारे पास कुछ ऐसी थी जो है ना मुर्गियां, जिनके बिल्कुल जो है ना ये कलर जाना, एक तो होता है जो नॉर्मल देसी अंडे का, एक होता है बिल्कुल डार्क चॉकलेट की तरह जो है ना। सही, हाँ चॉकलेटी कलर तो थोड़ा सा होता है, लेकिन ये वाला ग्रीन तो मैं पहली बार देखा। यहाँ होते हैं ब्लू भी होते हैं, ग्रीन भी होते हैं, डिपेंड करता है जो यहाँ, क्योंकि हमारे ये मुर्गियाँ ना इनको कोई फीड नहीं देते।
अच्छा ये क्योंकि जो बाहर नेचुरली जो खाते हैं जमीन से हाँ जमीन कितने अंडे हैं भाई। अमेरिका की विलेज लाइफ देखें, शहर में रहने वाले लोग तो हैं लेकिन ये गांव में रहने वाले लोगों की लाइफ है। अंडे डोंट ब्रेक देम, अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप यहां से निकाल के हाँ बिल्कुल हाँ फ्राई वगैरह करके अंडे वगैरह खा लेते हैं। No, we not. अभी अदनान भाई कह रहे हैं चाय पिए फिर निकलें, लेट तो हो रही है वैसे भी। सईद भाई को और भी काम है। बलोच नंबर वन, आपने सोचा कि पाकिस्तान से ईरान से निकल के अमेरिका के आखिरी कोने में बलोच नंबर वन। अदनान भाई आ जाएं बैठे यार, ये तो हम लेके आते हैं ना, अब आप इधर भाई नहीं के इसको दो दो मिल गए। हल यह हॉट स्प्रिंग से थोड़ा सा दूर है, तकरीबन 17 माइल दूर। ये बिस्मार्क का एरिया है और इस एरिया में ये अदनान साहब रहते हैं। अभी मुझे दें इजाज़त, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।